हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? हेलो, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आ रहा हूँ, और इस लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, आप सब लोगों को बताया जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका वर्किंग क्या होता है। तो इसके पहले बच्चों, हम रिकॉल कर रहे थे प्रीवियस वीडियो को, तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को बताया गया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हमने उसमें बताया था कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 प्रकार का मेथड होता है, किसी बॉडी को 3 प्रकार से आप चार्ज कर सकते हैं। एक मैंने बताया था फ्रिक्शन, और सेकंड बताया था कंडक्शन, और थर्ड बताया था इंडक्शन। तो फ्रिक्शन मेथड में मैंने क्या बताया था कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो एक बॉडी से क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट एवरेज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइट होकर के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव नेचर आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो उसके अंदर किसकी टेंडेंसी आ जाती है, निगेटिव का। तो ये जो प्रोसेस हुआ था ये फ्रिक्शन का था, और उसमें फिर मैंने बताया था कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव होता है, कौन सी बॉडी निगेटिव होता है, उसका मैंने एक टेबल बनाया था। ग्लास रॉड के पास कौन सा चार्ज होता है, सिल्की के पास क्या होता है, कैट स्किन जो होता है उसके पास कौन सा चार्ज होता है, इन सब के बारे में मैंने बताया था। और सेकंड प्रोसेस क्या था बच्चों, कंडक्शन था। तो कंडक्शन में मैंने बताया था कि एक बॉडी को क्या करते हैं, दूसरे बॉडी के साथ एक्चुअली कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर एक बॉडी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस 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 ऐसे था, और इसके साथ दूसरी बॉडी क्या है, अनचार्ज है, तो अगर इस बॉडी को चार्ज करना है कंडक्शन मेथड, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको एक्चुअली कॉन्टेक्ट में लेकर आना पड़ेगा। और जब इसको मैं एक्चुअली कॉन्टेक्ट में लेकर आया था, तो ये बॉडी क्या करती है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इससे पॉजिटिव चार्ज तो कुछ रहता ही है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे वो क्या करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बचता है, यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचता है। ये कौन सा मेथड था, कंडक्शन मेथड में। और मैंने बताया था थर्ड मेथड वो आपका था बच्चों इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में मैंने बताया था कि बॉडीज जो होता है ना तो फ्रिक्शन होता है उनके बीच, ना तो कोई उनके बीच फिजिकल कनेक्शन होता है, यानी कि ना तो वो एक्चुअली कॉन्टेक्ट में आते, ना उनको रगड़ा जाता है, और बिना एक्चुअली कॉन्टेक्ट में लाए, बिना एक्चुअली में रगड़े हुए बॉडी हमारी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को मैंने बता दिया था इंडक्शन प्रोसेस, यानी कि इंडक्शन प्रोसेस इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग इन विच द बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, यानी कि मैं बॉडी को किसी भी वायर से ऐड भी नहीं करता हूँ, ना तो उनको ऐसे एक्चुअली कॉन्टेक्ट में लेकर आता, ना उनको मैं ऐसे रब करा देता हूँ, फिर भी बॉडी क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। तो बच्चों क्या किया था मैंने, वहां पे एक इंडक्शन मेथड को डिफाइन करके एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिया था, और उस एनसीईआरटी प्रॉब्लम को मैंने बताया था। तो अगर सपोज दैट आपने क्या किया, उस वीडियो को नहीं देख पाया है, तो आप क्या करिए, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और राइट करिए मेथड ऑफ चार्जिंग बाय संतोष अग्रवाल, 100% आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताया जाएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और हम डिस्कस करेंगे क्वार्क के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर मिलेगा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम मिलेगा, आईटी जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसलिए क्या है, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ओके। और क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, जिससे आपको कभी भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट ना हो। और क्वार्क थ्योरी क्या होती है, क्वार्क के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो क्वार्क वाले के लिए भी क्या करिएगा, बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखिएगा, सब कुछ आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और गोल्ड लीफ आज के बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट, जो डायग्राम बना है ये एक्चुअली में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। होता क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये बॉडी है, अगर किसी कोई आपसे कहता कि ये बताओ इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, या आपसे कोई कहता है कि ये बताओ ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है, तो आप ऐसे इजीली तो पता नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मदद लेंगे
इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये बॉडी हमारी चार्ज है कि नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। तो यही डिवाइस है यहाँ पर राइट हुआ है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, ये क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है। और स्टूडेंट इसका प्रिंसिपल है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि जो हमने बॉडी को चार्ज करने का जो थ्री मेथड पढ़ा था, तो उस थ्री मेथड में से ये कौन सा मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे, कंडक्शन मेथड। लेट्स सी द डायग्राम, आते हैं डायग्राम के बारे में समझते हैं, डायग्राम में क्या चीजें हो रहा है, इसका इसका प्रोसीजर क्या है। ओके सो यहाँ पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसको इरेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले ये आपका एक बड़ा सा यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये एक बड़ा सा ग्लास कंटेनर यहाँ पे राइट हुआ है, ग्लास कंटेनर यानी कि ग्लास का एक बना हुआ बर्तन, एक बहुत बड़ा सा कह सकते हैं कि इस टाइप का एक कंटेनर है, ग्लास का बना हुआ है। और इस ग्लास कंटेनर के अंदर एक मैंने ब्रास रॉड डाल दिया, एक ब्रास रॉड, ये एक ब्रास रॉड है, कंडक्टर है, और इस ब्रास रॉड के दोनों एंड्स का, एक एंड्स का कनेक्शन हो गया है मेटेलिक डिस्क से, अगला जो एंड्स उसका कनेक्शन किससे हुआ है, गोल्ड लीफ से। स्टूडेंट मैं समझा रहा हूँ ध्यान से बहुत समझिएगा, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट अ ग्लास कंटेनर इन विच द वन ग्लास रॉड इज हेल्ड विच वन एंड्स इज कनेक्टेड टू टू गोल्ड लीफ एंड अदर एंड्स इज कनेक्टेड टू मेटल लीफ बाय द हेल्प ऑफ द कॉर्ड, यानी कि इसके पास क्या है, एक ग्लास कंटेनर था और इस ग्लास कंटेनर में एक रॉड डाला गया है और उस रॉड के एक सिरे का संबंध किससे हुआ है, गोल्ड लीफ से हुआ, यानी कि ये गोल्ड का पत्ती बना होता है, पत्ती होती है स्वर्ण की बनी हुई, सोने की बनी हुई दो पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, जितना बढ़िया आपको रिजल्ट चाहिए उतना बढ़िया उतनी कॉस्टली लगाइए, आप यहाँ पे सिल्वर भी लगा सकते हो, एल्यूमिनियम भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाइए आप, आरे में लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इसका जो वन एंड्स है, जो वन एंड्स है, इसको मैंने कनेक्ट करा दिया किससे, एक मेटालिक डिस्क से, एक मेटालिक डिस्क से, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉर्ड, जैसे बिल्कुल ये फंसा रहे और हिले डुले ना। ओके स्टूडेंट, तो अगेन ये क्या था, एक ग्लास कंटेनर था और इस ग्लास कंटेनर में हुआ क्या, एक ब्रास रॉड डाला गया है, उसका जो एक इंसुस यहाँ पे दो लीव्स लगी हुई है, दो पत्तियां लगी हुई है, और अगला जो किससे कनेक्ट है, मेटालिक डिस्क से, और यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉर्ड। अब बच्चों क्या करना है, ये करना है कि आपको चेक करना है कि कैसे हम जान पाते हैं, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब आप कैसे जान पाओगे कि ये एक्चुअली में चार्ज को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो डिटेक्ट करेगा वो स्प्रीड ऑफ लीव्स, स्प्रीड ऑफ लीव्स, स्प्रीड, स्प्रीड ऑफ यानी कि जो पत्तियों का फैलाव है, यहाँ पे जो पत्तियां लगी हुई हैं, उन्हीं के पत्तियों का फैलाव बताता है, पत्तियों का फैलाव बताता है कि बॉडी हमारी चार्ज है कि अनचार्ज है। अगर पत्तियों में फैलाव होता है, अगर ये जो ब्लेड्स लगा हुआ है, जो यहाँ पे लीव्स लगी हुई है, तो अगर इनके अंदर स्प्रीड होता है, ये फैलते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनता है, तो आप कहोगे कि हमारी बॉडी क्या है, चार्ज है। और अगर इनके बीच कोई फैलाव नहीं होता है, यानी कि आप किसी बॉडी को लेकर आए, यहाँ पे मान सपोज इसको चेक करना है कि ये चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो आप इसको लेकर आओ, यहाँ पे टच कराओ, टच करने मतलब क्या, देखो एक्चुअली कॉन्टेक्ट में आया है, जब ये एक्चुअली कॉन्टेक्ट में आया, इसका मतलब कौन सा मेथड हो गया, यहाँ पे कंडक्शन मेथड हो गया, चार्जिंग का कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड है। तो अगर ये बॉडी अनचार्ज होगा तो ये क्या होगा, पत्तियों में कोई फैलाव नहीं आएगा, और अगर पत्तियों में मतलब जो पत्ती ऐसे फैल चुकी है, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ, ये जो पत्ती ऐसे फैल गई हैं, ये एक्चुअली में अगर ऐसे रहती हैं, इनके बीच कोई फैलाव नहीं आता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉडी हमारी क्या है, अनचार्ज है, बॉडी हमारी क्या है, अनचार्ज है। तो ये चीज होता है, तो पत्तियों का फैलाव, स्प्रेड ऑफ लीव्स टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, बॉडी के चार्ज के प्रेजेंस के बारे में बताता है कि बॉडी हमारी चार्ज है कि नहीं है। तो अगेन अगेन लेट स्टार्ट टू वर्किंग, वर्किंग को फिर से समझते एक बार। तो देखो मुझे क्या करना है, मैंने एक कंडक्टर ले लिया है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको ये बताना है कि ये कंडक्टर हमारा चार्ज है कि नहीं है। तो आपको जैसे पता है कि
कि ये हमारा कंडक्टर है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेना, बिकॉज अब ये भी मेटेलिक है, ये भी मेटल है, और ये भी क्या है, मेटल ही है, ब्रास रॉड ये भी क्या है, मेटल ही है, इसके भी अंदर कंडक्टिविटी पाई जाती है, और इसके भी अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है बच्चों, कभी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जब इसको इससे कनेक्ट कराते हैं, इसको कॉन्टेक्ट में लेकर आता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव करता हुआ कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे। लेकिन बच्चों याद रखो, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करता ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में कॉन्टेक्ट में होकर कैसे नीचे आएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये क्या करता है, इस डिस्क से या फिर कह सकते हैं कि जो मेटल जो यहाँ पर रॉड बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर अपनी तरफ खींचता है, कौन, ये कंडक्टर। तो जब ये कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसके पास कौन सा नेचर आता है, पॉजिटिव का, क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा नेचर आएगा, पॉजिटिव का नेचर आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मैं कैप्चर कर रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा नेचर आएगा, नेगेटिव का। ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करता हुआ ऊपर की तरफ भागेंगे, इधर जाएंगे, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, तो ये लीफ्स दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, जो लीफ्स था इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। हालांकि पहले ऐसे थे लीफ्स, मैं बता दूं, लीव्स दोनों था ऐसे एक साथ यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर देता है ऊपर, तो इनके पास जो नेचर आता है वो पॉजिटिव का नेचर आ जाता है। जो दोनों लीव्स होती हैं, दोनों के पास पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव क्या करती है, रिपल करती है, पॉजिटिव क्या करती है, रिपल करती है। तो जब पॉजिटिव रिपल करेगी, तो पत्तियों में क्या आ जाएगा बच्चों, फैलाव आ जाएगा, पत्तियों के बीच क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये हमारी बॉडी एक्चुअली में चार्ज है कि नहीं, बॉडी हमारी चार्ज है कि नहीं है। तो अगर ज्यादा फैलाव आ रहा है, अगर पत्तियों में क्या हो रहा है, ज्यादा फैलाव आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें क्या है, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, दोनों प्लस चार्ज है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, ओके, आपको चेक करना है कि कौन ज्यादा, दो चार्ज बॉडी दिया गया है, आपको चेक करना कि कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करें, जिसमें फैलाव ज्यादा आएगा, इसमें फैलाव ज्यादा आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा कैप्चर करता है, उसमें क्या होगा, फैलाव उतना ही ज्यादा आएगा। तो इस बेसिस पे बच्चों आप बता सकते हैं कि बॉडी हमारी चार्ज है कि नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा था, ये चार्ज को डिटेक्ट कर लिया, इट इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, निगेटिव लेकर आना है, सपोज दैट आपको क्या लेकर आना है, निगेटिव, सपोज दैट लेकर आए, तो अब निगेटिव को लेकर आए, तो निगेटिव मूव करता है, निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा नहीं अपनी तरफ, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो भागता हुआ नीचे आएगा, आपकी बार इलेक्ट्रॉन्स होगा स्टूडेंट, वो कहां चलाएगा, नीचे भागता हुआ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फैल गया, फिर आप क्या कह सकते हैं, बॉडी हमारी क्या है, चार्ज, बॉडी हमारी अनचार्ज नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है हाउ टू चेक द बॉडी चार्ज और डिस्चार्ज। सो अगेन, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज एंड इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन मेथड ऑफ द चार्जिंग स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट अ ग्लास कंटेनर और ग्लास जार, इट कंसिस्ट अ ग्लास जार इन विच द वन ब्रास रॉड हेल्ड विद द हेल्प ऑफ कार्क, ओके, विद द हेल्प ऑफ कार्क, द वन एंड्स ऑफ ब्रास रॉड इज कनेक्टेड टू मेटेलिक डिस्क एंड अनदर इज कनेक्टेड टू टू गोल्ड लीव्स, ओके, एंड वर्किंग वेन द निगेटिवली चार्ज आर एनी कंडक्टर, वेन द निगेटिव चार्ज कंडक्टर आर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज कम्स इन कंटेक्ट ऑफ मेटेलिक डिस्क, देन पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट आर अट्रैक्ट टू निगेटिव चार्ज फ्रॉम विच द बोथ एंड्स ऑफ गोल्ड लीफ बिकम्स पॉजिटिव एंड द रिपल टू इच अदर विच शोज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं क्लियर करा दूंगा। तो ओके स्टूडेंट, ये किसके बारे में था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, इसमें क्या होता है, ग्लास जार होता है, ग्लास कंटेनर होता है,
ये ब्रास रॉड था, दोनों एंड्स किससे, एक एंड से किससे कनेक्ट है, गोल्ड लीफ से, दो यहाँ पे है, यहाँ पे मेटल लीफ, यहाँ पे क्या कंडक्टर है, तो ये क्या था, क्वार्क था। और जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, पॉजिटिव चार्ज सपोज लेकर आए आप, नेगेटिव भी ला सकते हैं, नेगेटिव को लेकर नेगेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भागता हुआ यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे होता है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इससे पता चलता है कि पत्ती अगर फैल गई है, अगर पत्ती फैल गई है तो चार्ज है 100% चार्ज है। और दो बॉडी को चेक करना है कौन ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा जिसमें फैला हुआ वो बॉडी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा चार्ज होगी। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्क्रीन शॉट एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्क। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द क्वार्क। क्वार्क स्टूडेंट, आर मिल्कर ने क्या किया था, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने बताया कि जो नेचर होता है, नेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है स्मॉल ई होता है, और स्मॉल ई की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि फंडामेंटल जो चार्ज होता है नेचर के अंदर, जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो स्मॉल ई होता है। फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई, यानी कि नेचर के अंदर इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो सबसे लिटिल चार्ज होता है, जो सबसे कम अमाउंट में जो चार्ज होता है वो स्मॉल ई होता है। स्मॉल ई इक्वल टू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। लेकिन हुआ क्या था, 1964 में दो साइंटिस्ट आए, 1964 में दो साइंटिस्ट आए, जिन 1964 की बात है, 1964 की बात है, उसमें दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था गैलमन और एक थी ड्वेग। इन्होंने क्या बताया, जार्ज ज्वेग और मरी गैलमन, इनका नाम था मरी गैलमन एंड जार्ज ज्वेग। इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स का भी फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं आता है। तो जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, आई सपोज दैट यू राइट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स को कभी आप फंडामेंटल पार्टिकल मत लीजिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्होंने बताया कि जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल एज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, मतलब ये फंडामेंटल है, ऐसा बताया गया था बिफोर 1964 के पहले, ऐसा बताया जा रहा था कि जो हमारा प्रोटॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन क्या, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि अब ये जो पार्टिकल है वो किसी चीज से बना नहीं होता। जैसे बॉडी को, अगर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है अगर उसको बनाना है तो उसके लिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है, यानी कि सेल से छोटा पॉसिबल नहीं होता है कुछ भी। तो वैसे यहां पर भी प्रोटॉन अगर बना है तो प्रोटॉन को बनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन बाद में 1964 में ज्वेग और गैलमन ने क्या बताया कि जो ये फंडामेंटल पार्टिकल है ये भी क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वार्क बोलते हैं। जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये एक्चुअली में फंडामेंटल पार्टिकल जो बोला गया था, तो ये भी क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए हैं इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वार्क बोलते हैं। तो यहां पर हम राइट कर दे रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ आल्सो स्मॉल पार्टिकल, आल्सो जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ड क्वार्क। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
क्वार्क बोलते हैं। और क्वार्क के बारे में किसने बताया था? गेलमन और मरे गेलमन ज़ार्ज़वेव इन 1964 में। तो अब ये क्वार्क कितने टाइप्स का होता है? क्वार्क हमारा राइट कर लिए होंगे ना? यस ओके। तो जो हमारा क्वार्क होता है, क्वार्क स्पेशली सिक्स टाइप्स का होता है। सिक्स टाइप। फर्स्ट अप, सेकेंड डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड थर्ड इज चार्म क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। एंड नेक्स्ट इज बॉटम। तो हमारा क्वार्क जो होता है स्टूडेंट, इतनी टाइप्स का होता है। इसका सिंबल होता है U, इसका सिंबल होता है D, इसका सिंबल होता है C, इसका सिंबल होता है T, इसका सिंबल S, इसका सिंबल D। तो सिक्स टाइप के क्वार्क होते हैं प्रिंसिपली। फर्स्ट अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड ऑल्सो बॉटम क्वार्क। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो इन्हीं से सबसे बने होते हैं मिलकर के, क्वार्क से ही बने होते हैं। उसमें अप क्वार्क आता है, डाउन क्वार्क है, उसके बारे में बता रहे। तो क्वार्क हमारा प्रिंसिपली कितने टाइप्स का होते हैं? मेनली सिक्स टाइप्स का। फर्स्ट अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। फर्स्ट लर्न यू डी सी टी एस बी। लर्न इट पॉइंट UDCTSB, U means up, D means down, C means charm, T means top, S means strength और B means bottom। तो सिक्स टाइप्स के क्वार्क होते हैं। अब जो हमारा अप क्वार्क होता है, इस पर 2/3 पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा अप क्वार्क है उस पर 2/3 क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा डाउन क्वार्क है उस डाउन क्वार्क पे 1/3 नेगेटिव चार्ज होता है। लर्न कर लो। अगर कोई आपसे पूछता है कि अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है तो आप क्या बताएंगे? 2+2/3। डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? -1/3। ओके, सो अप क्वार्क पे कौन कौन सा चार्ज होता है? 2/3+ होता है। डाउन पे क्या होता है? 1/3-। और स्टूडेंट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अप क्वार्क, अप प्लस टॉप प्लस चार्म, अप प्लस टॉप प्लस चार्म, तो इन्हीं को हम कंबाइंड रूप से हम कह सकते हैं कि अप टाइप क्वार्क। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अप टाइप क्वार्क। ओके, सो क्वार्क हमारा सिक्स टाइप का हो जिसमें से अप टॉप और चार्म, इनको हम क्या बोलते हैं? अप टाइप क्वार्क। चार सेम प्लस 2/3। ओके, नेक्स्ट जो बचा है तीनों, कौन कौन बचा होगा? डाउन, स्ट्रेंथ एंड बॉटम। इनको हम बोलते हैं डाउन टाइप, डाउन टाइप, डाउन टाइप क्वार। इन पे जो चार्ज होता है -1/3। तो ये था स्टूडेंट हमारे क्वार के बारे में। तो आपको मैंने बताया था ज़ार्ज़वेव एंड मरे गेलमन हैज टोल्ड इन 1964 द फंडामेंटल पार्टिकल एज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ आल्सो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड द क्वार। एंड देयर आर मेनली सिक्स टाइप्स क्वार। फर्स्ट अप एंड डाउन, चार्म, टॉप, स्ट्रेंथ एंड आल्सो बॉटम। अप क्वार्क हैज द +2/3 चार्ज, डाउन क्वार्क हैज द -1/3 चार्ज, इन विच वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट एज अप, टॉप एंड चार्म, अप टॉप एंड
चार्ज. इस क्वार्क आल्सो प्लस 2/3 इज अपटाइट क्वार्क एंड डाउन स्ट्रेंथ एंड आल्सो बॉटम. इसको हम क्या बोलते हैं मेनली डाउन टाइप क्वार्क. इस पे कितना चार्ज होता है -3/3. तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ. डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कूलम्ब्स लॉ एंड देयर वेक्टर फॉर्म, एंड देन सॉल्व द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी एंड जेईई मेंस एडवांस्ड आर मेन. ओके, थैंक यू.